बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। मटर मैक्रोनी बहुत ही मज़ेदार है, आइए हम इसे मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम मटर है। 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है। मटर को और आलू को मैंने पहले से उबाल लिया है। ऑयल के अंदर हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आज की, स्पेशल बच्चों के हवाले से। बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हैं। आलू को भी मैंने पहले से उबाल लिया था, इनको भी मटर के साथ हम फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। लहसुन का पेस्ट है मेरे पास यहाँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन था मेरे पास, उसको तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया है। मज़ीद 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे लहसुन के पानी के खुश्क होने तक। झटपट बनने वाली रेसिपी है मेरी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। चाट मसाला सबसे पहले हमने इसमें शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। नमक हसबे ज़रूरत। टमाटर 2 अदद टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, 2 अदद हरी मिर्च जिनको मैंने छोटे छोटे पीस की सूरत में कटिंग किया है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है आपने। जितना अच्छा ये मसाला आपका रेडी होगा, उतनी मज़ेदार चटपटी आपकी मटर मैक्रोनी रेडी हो जाएंगी। 3 टेबल स्पून टमाटर पेस्ट हमने शामिल किया है यहाँ पर। अगर आपके पास टमाटर पेस्ट नहीं है, आप टमाटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रोनी तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 150 ग्राम थी, वो शामिल कर दी है, उबाल ली थी मैंने। चिली सॉस, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, धनिया गार्निश के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे दम पर रख दीजिए। आप मज़ेदार चटपटी और स्पाइसी मटर मैक्रोनी आपकी रेडी हैं। माशाल्लाह से देखिए मेरे अल्लाह की शान, मटर मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।